राजनांदगांव में मवेशी राज। राजनांदगांव में मवेशियों के आतंक से त्रस्त है जनता, सड़कों व गलियों पर है मवेशियों का राज। मवेशी अब आम लोगों पर करने लगे हैं हमला। छात्रावास है यहाँ पे। ये हैं अम्मा जी जिनको एक मवेशी ने ऐसा पटका कि हाथ में प्लास्टर बनवाना पड़ गया। गोकुल नगर से लगे इलाके में खास तौर पर यह आलम है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम ने मवेशियों को पकड़ने के लिए कहने को तो काउ कैचर दस्ता बनाया है, लेकिन ये दस्ता कहाँ कार्रवाई करता है और कब कार्रवाई करता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं। पिछले दिनों गोकुल नगर के गली नंबर 2 के लोगों ने निगम आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें समस्याएं बताई, लेकिन कार्रवाई है कि हो नहीं रही और चल रहा है केवल मवेशी राज। पेश है हमारे राजनांदगांव ब्यूरो चीफ गणेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 1:30 बजे तक बच्चे आते हैं नीरज पब्लिक से, हमारे पोती और पोता बहुत सड़क में खड़ी है कि बच्चों को मतलब मार मत लगे, पूरी लाइन से कही खड़ी है, जब वो डंडा लेके बहुत गई है, ढाई है तब हमारे बच्चे निकले थे। और आज जब देखा कि सब बैठे हैं, 2 बजे के पहले पहले सब जानवर के अंदर कर दिए। लाला यादव बोलते हैं सर, गली नंबर 2 शिव मालनी के घर के बाजू में। बच्चे निकल नहीं सकते वहाँ नर्सिंग। एक नई समस्या ये होती सर की अभी पहले बात जो पहाड़ आपका रोड बनाई वहाँ पे आप मंच बनवा रहे हैं, वहाँ रोड वैसी चक्री मेन रोड से जो आदमी इधर से निकलता है ना तो एक्सीडेंट, वहाँ एक मंच और बना रहे हैं सर अभी उसको सर, और उस मंच पर सर बैठ के और कुछ नहीं होना सर, सब लोग लफारी अग्री लोग करते हैं बैठ के, अभी काम चालू है, आज ही काम चालू हुआ सर। हम अपने जानवरों से दुखी सर, बाकी और किसी से मोहल्ले में टेंशन नहीं है, सुबह से उठते डंडा देके खड़े हो जाते हैं। पहले तो आवेदन में दे रखे थे कि भाई मैंने कहा आवेदन नहीं मांगूंगा, शपथ पत्र दो, शपथ पत्र में दे रखा है कि 3 माह के अंदर वो पूरे समेट के ले जाएंगे। सर हमने इसका वीडियो बनाया है, इसको दिखाएंगे। 55 जानवर गाय सब उसके पास, सबसे पहले जानवरों से मुक्ति दिलवा, हमारे बच्चे निकल नहीं पाए, पहले भी है मतलब सबसे ज्यादा अभी आप चलेंगे 30-40 2 शिव मालानी के जो बड़ी बिल्डिंग है टावर वाला, उसके बाजू में लाला यादव के मकान। सुबह सारी गैया मलानी के घर के सामने खड़े हो जाती है और उसके घर के अंदर घुस जाती है, छात्रावास है, बच्चे हॉस्टल के अंदर घुस जाती है और वहाँ से वो पूरा गोबर खाने का सिलसिला चलते हैं। 60-70 लड़कियाँ हैं, 80 लड़कियों का 80 गाय और वो दरवाजे के सामने खड़े हो जाती है, बच्चे निकल नहीं सकते लड़कियाँ स्कूल जाने के लिए। इसका बिल्डिंग भी पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अरे बिल्डिंग से नहीं अपने को जानवर से। और सरकारी जमीन पे इतना गोबर का ढेर पड़ा है, अगर नाले के ऊपर दीवार उठा देंगे ना, गोबर रोड पे गोबर ही गोबर पड़ा है,
पूरी गोबर भरा गली पाजी में डाल देता है वहीं सरकारी रेसिडेंशियल कॉलोनी में तो डेयरी अलाउड ही नहीं है, आपको गोकुल नगर में जगह दिए वो वहाँ जाना चाहिए। सर सबके बाइक क्या सर बाहर है, जब टू व्हीलर सुबह उठ के देखते पूरी गाड़ियाँ एक सीढ़ी में वो छोड़ देता हूँ सर, रात भर छोड़ देता हूँ। अभी आप जाएंगे सब मिल जाएगा, अभी देखेंगे अभी दिख जाएगा, फिर निकाल देता है शाम को बाहर। चलो दो चार आपको चोट लगी थोड़ा दिखाई दूसरी समस्या सर वहाँ खुद तो अब डर लगता है भैया किसी के।